अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड गैलरी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे किचन में बन रहे हैं गुलाब जामुन। बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम हैं। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक कप मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून मक्खन, 1 अंडा और 4 टेबलस्पून मैदा। पहले हम इसके अंदर जो है वो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसके साथ जो है मैं अपना बटर जो है इसके अंदर डाल दूंगी, जो कि 3 टीस्पून है, और साथ ही मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अंडे के साथ हम इसको गूंदेंगे। अंडा जो है हमें इसकी जितनी ज़रूरत होगी उस लिहाज से हम अंडे को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने अंडे को ऐड नहीं करना कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बाद में जो है वो स्टेबल ना हो सकें, वो टूट जाएँ और उनमें क्रैक्स आएँ। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर इसको मिक्स करते जाना है और इसे अच्छी तरीके से गूंद लेना है। इसके बाद इसको किसी कपड़े के साथ कवर करके आप इसको छोड़ दें। 10 मिनट के लिए हमने उसको रेस्ट देना है। तब तक हम जो है वो अपना शुगर सीरप यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। 2 कप पानी में 1 कप शुगर जो है वो हमने मिक्स करनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक वो मेल्ट हो जाती है। और उसके अंदर जो है वो हमने लेमन के चंद ड्रॉप्स डाल देने हैं। इसको हमने टोटल 5 to 6 मिनट्स के लिए पकाना है। जब ये थोड़ा सा थिक थिक सा हो जाए तो आपका जो है शुगर सीरम वो रेडी है। और अब हमने अपने गुलाब जामुन को देनी है प्यारी प्यारी सी शेप। इसके लिए इसको हमें गूंदना है दोबारा। कपड़ा हमने हटा दिया था, इसको दोबारा अच्छे तरीके से हमने गूंदना है ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना आए और बहुत ही स्मूथ एंड टेस्टी से हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो। इसको अच्छे तरीके से गूंद लें और इसको इस तरीके से इक्वली कट कर लें ताकि सबकी शेप जो है वो इक्वल हमारे सामने बनकर आए। हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इनको अच्छे तरीके से शेप दे लूँगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने भी इनको अच्छे तरीके से हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर शेप दे लेनी है। और इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो साइज़ मैंने रखा है, आप भी ही रख सकते हैं या इससे छोटे भी बना सकते हैं। सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। इसी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया है अच्छे तरीके से और अब मैं 1 by 1 इसके अंदर जो है वो सारे गुलाब जामुन डाल दूंगी। और ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप गुलाब जामुन डाल दें तो आपने बार बार उसको हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने उनको हिलाते रहना, उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं उनको करना, नॉर्मल कलर रखना है। और साथ ही आपने उनको शीरे में डाल देना है। श्योर कर लीजिएगा कि आपका शीरा गर्म हो और हमने इसको साथ ही शीरे में शिफ्ट कर देना है। हमने इसको 2 घंटे के लिए जो है इसी तरीके से छोड़ देना है कि ये अच्छे तरीके से शीरे में सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार, टेस्टी, इजी एंड क्विकली बनने वाले गुलाब जामुन रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करेंगे। तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इजी और क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी मार्केट जैसे मज़ेदार गुलाब जामुन अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। सो अल्लाह आप सबका निगेबान। अल्लाह हाफिज़।